दुनिया भर में चींटियों की लगभग 12,000 से अधिक प्रजातियां हैं और उनमें से कुछ चींटियां ही इंसानों और जानवरों को काटती हैं और कुछ चींटियां जैसे फायर आंट्स काटते समय विष छोड़ देती हैं जो जलन और सूजन का कारण बन सकता है, जिससे काटे हुए स्थान पर जलन और सूजन पैदा हो जाती है और कुछ लोगों को उन चींटी के काटने से गंभीर बीमारी एलर्जी हो सकती है, जिसे एनाफाइलेटिक शॉक कहा जाता है। ये जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता होती है। चींटियां आकार में 225 मिलीमीटर तक हो सकती हैं और कुछ चींटियां 1 इंच तक भी हो सकती हैं। ये येलो, ब्राउन, रेड और ब्लैक कलर की हो सकती हैं। चींटियों के 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड अबडोमेन। लेकिन चींटियों की बॉडी का सबसे खास अंग इनका मुख ही होता है, जिसे मैंडिबल कहा जाता है, जिसकी मदद से अपने भोजन को काटती और चबाती हैं। चींटियों की लगभग 12,000 प्रजातियों में से 71% के पास डंक होता है, जिसका इस्तेमाल ये अपनी आत्म सुरक्षा के लिए करती हैं। ये डंक केवल फीमेल आंट्स के पास ही होते हैं, खासकर की रानी और श्रमिक चींटियों के पास। पर सवाल ये है कि चींटियाँ हमें काटती क्यों हैं? नॉर्मली जहाँ ज़्यादा जंगल नहीं होते वहाँ अधिकतर चींटियाँ मैंडिबल वाली पाई जाती हैं, जो अपने जबड़ों से इंसान और जानवरों की त्वचा पर काटकर दबाव डालती हैं। और कुछ चींटियाँ तो इससे भी एक कदम आगे चलकर जिस स्थान पर वे काटती हैं वे वहाँ की खाल उखाड़ देती हैं और उस त्वचा पर फॉर्मिक एसिड जैसे उत्तेजक पदार्थ छोड़ देती हैं, जिससे उस जगह पर लाल निशान पड़ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी है, चींटियाँ बस इतना ही कर सकती हैं, तो अभी रुकिए। चींटियों की 12,000 प्रजातियों में से 71% चींटियों के पास डंक होता है। ये चींटियां जब किसी को काटती हैं तो उस जगह को मजबूती से पकड़ लेती हैं और अपने शरीर को मोड़कर अपने पीछे मौजूद डंक से उस जगह पर कई बार डंक चुभोती हैं और अपने डंक को आगे पीछे कर उस त्वचा में न्यूरोटॉक्सिक विष छोड़ देती हैं। इस विष में विभिन्न यौगिक होते हैं जो दर्द, जलन और कभी कभी एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं और इनके काटने पर मनुष्य को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन अभी भी एक सवाल रह जाता है कि चींटियां हमें काटती क्यों हैं? जब गर्मियों में चींटियां अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और उनके रास्ते में कोई इंसान या जानवर आता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वे उन्हें काटती हैं। और दूसरी ओर चींटियां तब भी काट सकती हैं जब चींटियां उसे अपने भोजन समझ लें या फिर चींटियां कहीं फंस गई और अपने बचाव के लिए काट सकती हैं। हालांकि केवल ये कभी कभी अपने बचाव के लिए नहीं काटती, जब ये अपनी कॉलोनी की रक्षा करती हैं तब भी काट सकती हैं। ये काटने के बाद वहाँ फेरोमोन नामक रसायन पदार्थ छोड़ देती हैं जो सिग्नल के रूप में कार्य करता है और बाकी सभी चींटियों को वहाँ खतरे के रूप में सावधान करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।